हेलो पेरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके सामने इंग्लिश का पार्ट टू का वीडियो लेके आई हूँ यूकेजी क्लास के लिए। क्लास फर्स्ट में मैंने डिस्कस किया था कि आप बच्चे को किस तरीके से यूकेजी के जो सिलेबस है उसके लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे उसको बता सकते हैं, घर पे उसको कैसे समझा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अब आगे नेक्स्ट क्या बताएंगे। तो देखिए, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि यूकेजी क्लास में एलकेजी क्लास का पहले सिलेबस रिवाइज करवाया जाता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए आपको बच्चे को यूकेजी क्लास में कर्सिव लेटर्स आने चाहिए, स्मॉल कर्सिव लेटर्स, ध्यान दीजिए स्मॉल कर्सिव लेटर्स, क्योंकि एलकेजी में ये सिलेबस में होता है कि पहले आप स्मॉल कर्सिव लेटर कंप्लीट करवाएं। तो आप बच्चे से अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करवाइए स्मॉल कर्सिव लेटर की। कुछ लोग मेरे से बार बार पूछ रहे हैं, मैम यहाँ पे कैपिटल कर्सिव लेटर भी आ जाता है यूकेजी क्लास में, तो मैं आपको बता दूँ, येस यूकेजी क्लास में आपका कैपिटल कर्सिव लेटर आ जाता है, बट जब बच्चे का एलकेजी का सिलेबस पूरा रिवाइज हो जाता है, सब कुछ मीन्स सीवीसी वर्ड्स, सारे वोवल्स से लेके जितने रिलेटेड आपके फोनिक साउंड्स हैं, सब कुछ रिवाइज हो जाता है, उसके बाद आता है कैपिटल कर्सिव लेटर, यानी एक्चुअल जो है उसके आपके यूकेजी क्लास के सिलेबस की स्टार्टिंग तब से होती है। तो मैं आपको बताऊंगी, जब आप बच्चे को अपने स्मॉल कर्सिव लेटर्स रिवाइज करवा दें, फर्स्ट सेकंड सारे फोनिक साउंड रिवाइज करवा दें, उसके बाद आप क्या कराएंगे, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। उसके लिए आप पहले तो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आगे पढ़ाते जाने से ऐसा नहीं है कि बच्चा कई बार होता है पीछे भूल जाता है। तो ये जो आपको कुछ कुछ वर्कशीट्स अभी दिखेंगी या दिख रही होंगी, इसमें आपने बच्चे को कर्सिव नहीं, सिर्फ कैपिटल लेटर्स जो नॉर्मल हम बच्चे को सिखाते हैं ABCD, उसकी भी प्रैक्टिस करवानी है। जिस तरीके से आप करवा सकते हैं उस तरीके से करवाइए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो ये जो वर्कशीट्स दिख रही हैं आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, नीचे दिए हुए नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो बच्चे को वो कैपिटल लेटर्स भी प्रैक्टिस करवाइए, फिर स्मॉल कर्सिव लेटर्स की प्रैक्टिस करवाइए, और मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि एक नहीं, हर एक अक्षर हिंदी या हर एक अल्फाबेट इंग्लिश में एटलीस्ट बच्चे को 3 to 4 डिफरेंट वर्ड्स पता होने चाहिए। यानी ए फॉर एप्पल विथ फोनिक साउंड, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट, ए फॉर एक्स, ए फॉर एस्ट्रोनॉट, ए फॉर ऐप। तो इस तरीके से आप बच्चे को सिखाएंगे 3 से 4 वर्ड्स। फिर आप बच्चे को फोनिक साउंड आना चाहिए ए, बी, ब, सी का, जिससे कि जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे को हम ये नहीं बोलेंगे ए लिखो, बी लिखो, क्योंकि अभी हमें हर चीज फोनिक साउंड के हेल्प से बतानी है। तो यानी ए लिखो, कहीं भी कुछ लिखा है तो ब आप आदत डालोगे तो बच्चा लिखेगा। और देखिए, कुछ कुछ लोग के मेरे पास कमेंट आए थे कि एच का फोनिक साउंड, एफ का फोनिक साउंड, एल का फोनिक साउंड। तो देखिए, बच्चों को सिखाने के लिए हमें ऐसे ही बताना पड़ता है एल ल, लेकिन एक्चुअल में वो ल नहीं होता, वो होता है ल। बस आपको टंग और माउथ का फॉर्मेशन जो है वो सही करना है ल। जैसे हेलो। एम का म नहीं होता है, सिर्फ होता है म। तो इसलिए कोशिश करिए बच्चे को, आप अगर माँ वो समझ रहा है तो करिए, लेकिन एम, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूँ, तो फोनिक साउंड रिवाइज करवाइए। जब फोनिक साउंड आप रिवाइज करवा दें बच्चों को, उसके बाद आप करवाइए बच्चों को CVC वर्ड्स का रिवीजन। अब CVC वर्ड्स क्या होते हैं? CVC वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसमें वॉवल बीच में होता है, यानी CVC, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट। यानी अगर हम बात कर रहे हैं आज वॉवल्स की, तो AEIOU ये वॉवल होते हैं, तो आगे पीछे क्या लगेगा? कॉन्सोनेंट कोई लगेगा। तो ए से स्टार्ट करिए, यानी ए से स्टार्ट करिए, और सिर्फ अभी 2 वर्ड्स लेके चलिए फोनिक साउंड में, एट एन, आप ऐसे लेके चलिए एट एन। अब एट में कैट बैट ऐसा नहीं सीधे बच्चे को आप सिखाने लगे स्पेलिंग CAT कैट BAT बैट, नहीं, एट सिखाइए पहले एट। फिर अगर एट आ गया तो वो कुछ भी बना लेगा, हैट, अगर आप बोलोगे हैट तो उसे समझ में आएगा, फोनिक साउंड है छ, हैट, हैट, एच लगा देगा, बैट, बू, बैट, कैट, बैट, फैट, मैट, रैट, सैट, आप कुछ भी सिखा सकते हो। तो इसलिए पहले आपको 2 CVC 2 फोनिक साउंड लेके चलने हैं, एन और एट। इसी तरीके से एन सिखाइए, कैट
कैन वैन मैन रैन फैन फैन, तो इतने आप वर्ड्स लेके चलिए। तो आज मैं आपको सिर्फ यही दो वर्ड्स के लिए बता रही हूँ। वर्कशीट्स अवेलेबल हैं, नीचे दिए गए नंबर पे वर्कशीट्स अवेलेबल हैं। पीडीएफ चाहिए तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी वर्कशीट्स दिख रही होंगी। तो आप इसकी हेल्प से बच्चे को प्रैक्टिस कराइए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप कोई वीडियो बच्चे को दिखाएं या कोई टीचर हो ऐसी जो एकदम से बच्चे को सिखा दे। धीरे धीरे आएगा, बच्चे को प्रैक्टिस से आएगा। देखिए, कई बच्चों को मैं इसलिए आराम से लेके सिलेबस चल रही हूँ, जल्दी कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि कई बच्चों को स्मॉल कर्सिव लेटर भी नहीं आते। और एक 26 लेटर 26 लेटर्स आप बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक हफ्ते में सीख जाए। एक दिन में एक लेटर बच्चा नहीं सीख सकता है, सब बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है। इसलिए अगर वो टाइम ले रहा है तो लेने दीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप फोर्स नहीं करिए, ना ही खुद टेंशन लीजिए। बस मैं आपको एक सिलेबस बता रही हूँ कि किस तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा यूकेजी क्लास के लिए। फर्स्ट क्लास में आपने बच्चे को स्मॉल कर्सिव लेटर रिवाइज करवाने हैं जो एलकेजी क्लास में पढ़े थे, देन फोनिक साउंड रिवाइज करवाना है, देन हम आते हैं सीबीसी वर्ड्स में। सीबीसी वर्ड्स में अभी हमने फर्स्ट वॉवल लिया है ए यानी ए, और ए में फॉर्मेशन लिया है हमने एन और एट का। तो अभी बच्चे को आप वो रिवाइज करवाइए, वर्कशीट्स की हेल्प से प्रैक्टिस करवाइए। मिलते हैं अपनी न्यू क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। पीडीएफ नीचे लिंक में है।